पास आ गया हूँ, मैंने तुम्हें बताया ठीक है। तो और भाभी सही हो? और ठीक है, आप सुनाओ कैसे हो? बढ़िया। भाभी ना उनके घर पे पता चल गया यार। पता चल गया है तो हम क्या जाने, आप लोग जानो ना यार। भाभी बड़ी परेशानी हो रही है यार। नहीं आप लोग जानो भाई, सबसे मेन बात तो लड़की की होती है ना। हाँ। लड़की कहेगी वो ही होगा। तो वो तो कह रही है मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, उसके मौसा ने बताया। तो सारी वीडियो हमने देखी है। हाँ, वो क्या कहती है वीडियो? हाँ वीडियो में कह रही है मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारी रहूंगी। देखो वो तो देखना चाहिए सब लोगों को, ये वीडियो खुद हमारी लड़की बोल रही है। तो भाभी एक बात बताओ, वो मेरे से कह रही है कि मैं तुमसे बात, अगर बात नहीं करूंगी तो मैं मर जाऊंगी। इसमें पता है किस किस का हाथ होगा? इसमें पता है उसके मौसा का हाथ होगा। अगर वो मर भी गई ना तो उसके मौसा जिम्मेदार होंगे और उसके मामा जिम्मेदार होंगे। गीता की नाम उसका ना, गीता की जिम्मेदार उसके मौसा होंगे और उसके मामा जिम्मेदार होंगे। उसने मुझे कॉल करके बताई थी। नहीं मैं लड़की का नाम पूछ रही, लड़की का नाम यही है। हाँ उसका नाम गीता है। अच्छा हाँ तो दोस्तों देखते जाना वीडियो पे। तो अब मैं सोच रहा हूँ, देखो यार देखो मेरे से अलावा कोई रखेगा तो है नहीं। अगर मैंने उसकी एक वीडियो अपलोड कर दी ना तो पूरी जिंदगी वो बर्बाद हो जाएगी उसकी। पर मैं ऐसा सोच नहीं रहा हूँ यार। बात सही करा गलत करूँगा अभी? अब इस बात में तो आप ही लोग जानो दोनों। पता क्या मेरी ना इसकी दूसरी बहन से भी बात हुई थी। मैं काफी टाइम ना संभल गया था ठीक है, मैं बहुत अच्छा था, अपने काम की वजह से जी रहा था, मैं इन झंझटों में पर नहीं रहा था ठीक है। तो फिर भी ना इन लोगों ने पता नहीं क्यों बस वही हाथ इन्होंने ही बढ़ाया था, मैंने नहीं बढ़ाया था। क्योंकि तुम्हें पता है मैं कहीं पे जाता हूँ किसी कोई बात नहीं छुपाता हूँ, छुपाई कभी। फिर घर परिवार में सभी को बता देता हूँ ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे है ठीक है। फिर भी ठीक है क्योंकि मैं, क्योंकि इन झंझटों में ना पढ़ना नहीं चाह रहा था कभी भी। मैं बुक पे डाल दी फिर उसको तो वो छोड़ देगा, उसकी जिंदगी खराब है ना। तो मैं नहीं सोच रहा हूँ उसकी जिंदगी खराब हो ठीक नहीं है। तो ये मेरी भाभी हैं यार, इनका भी चैनल है ठीक है। मैं कोई भी बात होती है ना भाभी से पूछता हूँ, और घर में किससे पूछूँ यार ठीक है ना। और आप लोग सपोर्ट कर रहे हो मेरे लिए यार ठीक है, सपोर्ट बनाए रखना, तुम्हारी कृपा से यहाँ तक पहुँचाऊँ, सब कुछ तुम ही हो मेरे लिए ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का यहीं पे शुभ दिन है ठीक है, पर आज से मेरी बात नहीं हुई उनसे, काफ़ी दिन हो गया। पर जो जिसने भी बोला है ना, जो मर्जी कर ले कुछ नहीं होने वाला ठीक है इस ज़िंदगी में। या तो वो बहुत अच्छी तरीके से रोएगा ठीक है, वो सोच रहा है शादी हो जाएगी, ऐसे नहीं हो जाएगी, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक चाहे जेल ना जाना पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। लेकिन एक ऐसी चीज़ मेरे पास पड़ी हुई है, वो क्या समझता है कि एक ये नॉर्मल वीडियो देखिए, सब कुछ पड़ा है मेरे पास, और उसकी वो तो बाद में पता चल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल के लिए।